जाएगा, क्या लगता है, क्या कहता है ग्रहों की दशा? देखिए, ग्रहों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये मैच हो रहा है, कुल 5 बार जो है ऑस्ट्रेलिया विश्व कप जीती है और 2 बार भारत। तो ऑस्ट्रेलिया ने जब जब विश्व कप को जीता, उस समय बृहस्पति, शनि और राहु की स्थिति अच्छी थी। बृहस्पति मेष राशि में, शनि वृश्चिक राशि में, राहु मीन राशि में था। फिर उसके बाद बृहस्पति मीन राशि में हुआ 94 में, अरे 99 में जब ऑस्ट्रेलिया जीती थी। फिर 2003 में ऑस्ट्रेलिया जीती, उस समय भी बृहस्पति उच्च राशि में था। 2007 में जब ऑस्ट्रेलिया जीती, उस समय बृहस्पति मंगल राशि में था। और भारत ने जब जब जीत हासिल की, उस समय बृहस्पति एक वृश्चिक राशि में, बृहस्पति मेष राशि में था 2 बार। और इस बार भारत जो जीत हासिल करने जा रहा है, इस समय भी बृहस्पति जो है मेष राशि में है। तो इन ग्रहों की श्रृंखला को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार वर्ल्ड कप संभव है कि भारत जीत सकती है, और जीतने की प्रबल संभावना है। जो ग्रह गोचर बने हुए हैं कि बृहस्पति मेष राशि में है, राहु मीन राशि में आ चुका है, शनि कुंभ राशि में है, और मंगल की भी ग्रह स्थिति बहुत अच्छी होने की वजह से जो ग्रह चल रहे हैं उनकी भी स्थिति अच्छी बतलाई जा रही है। मंगल वृश्चिक राशि में अपने स्वग्रही होने की वजह से बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। दूसरी बात, 19 तारीख को 2:00 कुछ पर खेल होगा, तो 2:10 पर मीन लग्न है। मीन लग्न में देखा जाता है तो राहु है, केतु बैठा हुआ है, और खेल के मैदान का कारक मंगल भी उच्च का है, अपने भाग्य भाव में बैठा हुआ है स्वग्रही होकर के। तो इस वजह से भारत को लग्न माना जाए, और क्या कहते हैं, अपोजिस पार्टी को सप्तम भाव माना जाए, तो अपोजिशन पार्टी के हारने की संभावना ज्यादा प्रबल होती है और भारत के जीतने की संभावना प्रबल होती है यहाँ पर, क्योंकि मंगल भाग्य भाव में बैठा हुआ है। भाग्यम फलत सर्वदा, न च विद्या न च पौरुष। तो इन आधार पर हमारी गवेषणा है कि भारत की जीतने की संभावना पूर्ण और प्रबल है। राहु की भी स्थिति अच्छी है, और अपोजिशन में देखा जाए तो शुक्र मीन राशि और कन्या राशि में केतु के साथ बैठा हुआ है, तो हो सकता है अपोजिशन की कुछ 5-6 प्लेयर जो है अच्छा खेल न पावे, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। जी विश्व,